2024 के बेस्ट एंड टॉप 5 कंडेंसर माइक्रोफोन्स जो कि मैंने अपनी रिसर्च के बाद आपके लिए ढूंढे हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। XLR कंडेंसर माइक्रोफोन्स की बात करेंगे हम, कोई भी USB कंडेंसर माइक्रोफोन की इस वीडियो में हम बात नहीं करने वाले हैं। USB कंडेंसर माइक्रोफोन अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और XLR कंडेंसर माइक्रोफोन सिर्फ वोकल्स एंड आपके इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ XLR कंडेंसर माइक्रोफोन्स की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो जब बात आती है एक XLR कंडेंसर माइक्रोफोन को रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज करने की, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एक ऑडियो इंटरफेस या एक मिक्सर। ऑडियो इंटरफेस आपको कौन सा लेना चाहिए 2024 में? वैसे तो मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, 2024 में आपको कौन सा ऑडियो इंटरफेस लेना चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक दे रहा हूं। ऑडियो इंटरफेस आपको सबसे पहले बाय करना पड़ेगा एक कंडेंसर माइक्रोफोन को पावर इनपुट देने के लिए, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन आपके बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपका बजट 2000 से कम है, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो अपनी सिंगिंग जर्नी, तो 2000 से कम बजट में आपको कौन सा कंडेंसर माइक्रोफोन बाय करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 5000 से कम बजट है, 10000 से कम बजट है, 15000 से या 20000 से कम बजट है, सभी सेगमेंट में मैं आपको एक एक बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ऑलराइट, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे लो बजट कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ। अगर आपका बजट 2000 रुपए से कम है, म्यूजिक जर्नी में अगर आप अपनी शुरुआत कर रहे हो, म्यूजिक करियर की अपनी शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल यंग हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ऑडियो एरे का AMC39 कंडेंसर माइक्रोफोन। ये 2000 रुपए से कम आता है, अराउंड अभी अगर आप अमेजोन के ऊपर जाकर चेकआउट करोगे तो 1400 रुपए से 1500 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपका आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है, तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हो। वैसे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको हर माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी सुनाने वाला हूं। इस माइक्रोफोन के साथ आपको मिलती है एक XLR2 3.5mm की केबल। अगर आप इस माइक्रोफोन को अपने लैपटॉप के साथ डायरेक्टली प्लग एंड रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बट अगर आप एक ऑडियो इंटरफेस के साथ हाई क्वालिटी वोकल्स आउटपुट लाना चाहते हो, तो आपको एक बाय करनी पड़ेगी XLR मेल टू फीमेल केबल, जो कि अराउंड 400 से 500 रुपए की अच्छे ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं। अगर आप एक XLR मेल टू फीमेल बाय करोगे, उसको आपको यूज करना पड़ेगा एक ऑडियो इंटरफेस के साथ। ऑडियो इंटरफेस के साथ इस माइक्रोफोन को आपको कनेक्ट करना होगा, तो आपको हाई क्वालिटी वोकल्स आउटपुट मिलने वाली है। तो ये था मेरी रिसर्च का फर्स्ट माइक्रोफोन जो कि यंग म्यूजिशियन के काफी काम आने वाला है। 1500 रुपए के बजट में आप ये अमेजोन के ऊपर जाकर बाय कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हमारे रिसर्च के सेकंड माइक्रोफोन की ओर, जो कि है 5000 रुपए की बजट की रेंज में। तो 5000 रुपए की रेंज में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं अपनी रिसर्च का सेकंड कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि है सैमसंग ब्रांड का C01 लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन। ये मेरी म्यूजिक जर्नी का फर्स्ट कंडेंसर माइक्रोफोन था। अराउंड 2011 मैंने इसे बाय किया था, अप्रॉक्सीमेटली 3200 रुपए का, 3200 रुपीज का। स्नैपडील से मैंने इसे बाय किया था, वो आई थिंक वेबसाइट डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर आप अभी इसे बाय करोगे अमेजन के ऊपर, अराउंड 5600 रुपीज का आपको आज की डेट पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, आपने देखा होगा। बट अगर आज की डेट पे आप इसे बाय करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, 5600 रुपीज का आपको मिलने वाला है। ये एक लार्ज आईफर्म कंडेंसर माइक्रोफोन है, XLR के साथ ये इनपुट होता है। आपको एक ऑडियो इंटरफेस या एक मिक्सर रिक्वायर्ड होगा इसको पावर देने के लिए। इसके साथ आपको एक कैरी केस भी मिलता है, प्लास्टिक का कैरी केस मिलता है, काफ़ी अच्छा, मतलब आप यूज़ कर सकते हो उसे ट्रैवल करने के लिए। अगर आप इधर से उधर कहीं ट्रैवल करते हो तो आप इसे कैरी कर सकते हो। साथ में आपको कोई XLR केबल नहीं मिलेगी, उसको आपको बाय करना पड़ेगा एडिशनली, अराउंड 500-600 रुपीज़ की, जैसा मैंने आपको बताया वो मिल जाएगी। लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन है, यूनिडायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है, जो भी आप बोलोगे। फ्रंट से रिकॉर्ड होता है, कार्डियोड पैटर्न वाला होता है, मतलब कि हर्ट की शेप में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो फ्रंट से रिकॉर्ड होगा, जैसा कि ये भी मतलब कार्डियोड पैटर्न वाला कंडेंसर माइक्रोफोन है। अगर मैं इधर से बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ, तो आपको वो वाली डायनेमिक रेंज नहीं मिलेगी जो कि फ्रंट से आपको सुनने को मिल रही है राइट नाउ। तो हमारी जो रिसर्च का थर्ड कंडेंसर माइक्रोफोन है 10,000 रुपीज की रेंज में, वो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ यही कंडेंसर माइक्रोफोन। ये है लुइट का LCT240 Pro। ये एक लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन है, कार्डियोड पैटर्न वाला कंडेंसर माइक्रोफोन है। आपको इसके साथ कोई XLR केबल नहीं मिलती। ये अगर आप अभी बाय करोगे अप्रॉक्सीमेटली 9999 का मिलने वाला है, 10,000 रुपीज की रेंज में आपको मिलने वाला है। इसके साथ आपको एक विंड स्क्रीन मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हो विंड स्क्रीन कैप मिलती है। इधर उधर अगर आपकी हवा चल रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए कैप यूज़ की जाती है, बट मैं इंडोर इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसे हटा देते हैं अभी के लिए।
ये आप लोगो देख सकते हो, ये है लुइट का LCT 240 Pro का लोगो, लुइट का ब्रांड का लोगो है। इसे अभी साइड में रख देता हूँ, तो आपको मैं अब इसको फ्रंट से दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं लुइट का LCT 240 Pro, अभी जो डायनामिक रेंज है वो पीछे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो वाली डायनामिक रेंज जो आपको सुनने को मिल रही थी पहले, अब नहीं सुनने को मिल रही होगी। और मैं जैसे इसे रोटेट करूँगा अपनी फेस की तरफ, तो ये आपको अच्छी डायनामिक रेंज सुनने को मिल रही होगी, महसूस हो रही होगी। इसका भी जैसे मैंने बताया आपको कार्डियोड पैटर्न है, हर्ट की शेप में, जो भी मैं बोलूँगा फ्रंट से रिकॉर्ड करता है। और ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन है, अच्छा अगर आपका स्टूडियो सेटअप ट्रीटेड है, अकॉस्टिकली ट्रीटेड है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है सिंगिंग वोकल्स डब करने के लिए। काफ़ी अच्छा ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, 10,000 रुपये की रेंज में। आपको इसे इनपुट देने के लिए एक्सएलआर केबल अलग से एडिशनली बाय करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको सिर्फ एक ये वाला माइक माउंट मिलता है, एक विंडस्क्रीन कैप मिलती है, एक माइक्रोफोन का ये जो आपको देख रहे हो कैप्सूल मिलता है, और एक्सएलआर केबल आपको एडिशनली बाय करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 500-600 रुपये की अच्छे ब्रांड की मिल जाएगी, और साथ में आपको एक कैरी पाउच मिलता है। अभी ये 10,000 रुपीस का है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। वैसे जब मैंने इसे बाय किया था अप्रॉक्सीमेटली मुझे 12,000 समथिंग का पड़ा था, अभी स्टील डील है 10,000 में आप इसे बाय कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी रिसर्च के फोर्थ कंडेंसर माइक्रोफोन की ओर, जो कि है 15,000 रुपीस की रेंज में। यह है ऑडियो टेक्निका का 82035। ये एक लार्ज आईफोन कंडेंसर माइक्रोफोन है। इसके साथ आपको एक शॉक माउंट मिल जाएगा, एक कैरी पाउच मिल जाएगा, कोई एक्सएलआर केबल आपको नहीं मिलती उसको, आप उसके लिए आपको 400 से 500 से 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया एक माइक माउंट भी मिलेगा साथ में, और ये आपके वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट डब करने के लिए काफी अच्छा कंडेंसर माइक्रोफोन है। ये सभी जो भी मैं माइक्रोफोन आपको आज बता रहा हूँ, ये सभी मैंने पर्सनली यूज किया है। अगर आप 15,000 रुपए की बजट में कोई कंडेंसर माइक्रोफोन ढूंढ रहे हो, तो ऑडियो टेक्निका का 82035 बेस्ट टू बाय है। मैं अपनी रिसर्च के बाद आपको ये माइक्रोफोन सजेस्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। तो हमारी रिसर्च का जो फिफ्थ बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन है अंडर द बजट ऑफ 20,000 रुपीज, वो है लुइट ब्रांड का ही LCT 440 प्योर। अभी तो ये 21,000 का है, बट कभी कभी ये 20,000 रुपीज की रेंज में भी मिल जाएगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हो 21,000 999 का आपको मिल रहा है Amazon के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला है। अगर आपका बजट 20,000 रुपीज की रेंज में है और आप एक XLR कंडेंसर माइक्रोफोन सर्च कर रहे हो, आपके दिमाग में एक ही माइक्रोफोन आएगा, रोड का NT1A। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस माइक्रोफोन में इन्वेस्टमेंट करके देखिए, आपका रिकॉर्डिंग का, इंस्ट्रूमेंट डबिंग का पर्पस डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, और आपको काफी अच्छी डायनामिक रेंज इसकी मिलने वाली है। चलिए जल्दी से अब मैं इन सभी कंडेंसर माइक्रोफोन का एक वोकल ऑडियो क्वालिटी टेस्ट सुना देता हूँ, सो दैट आप इन्हें जज करने के बाद ही एक माइक्रोफोन में इन्वेस्टमेंट करें। ऑलराइट, तो जो अब आपको साउंड सुन रही है वो इस माइक्रोफोन से आ रही है। मैं थोड़ा नजदीक जाता हूँ, आप मुझे जज करके बताना कि ये आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी सुनने को मिल रही है। मैं थोड़ा इसे दूर कर देता हूँ, और अभी जो हमने इसका ऑडियो लेवल गेन लेवल रखा है वो अप्रॉक्सीमेटली 40-50% के बीच रखा है। मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ऑलराइट, तो अभी जो आपका आपको ऑडियो क्वालिटी सुन रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% गेन के साथ है। आप मुझे जज करके बताइए, महसूस करके बताइए ऑडियो क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिल रही है। मैं थोड़ा नज़दीक आता हूँ, इसमें थोड़े पॉप्स भी, फा, फा, ऐसे पॉप्स भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे अपने माइक प्लेस किया गया है उसके आसपास एक्सटेंशन बोर्ड है, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या फिर कोई हैवी अप्लाइंसिस है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है वहाँ पर, स्टेबलाइजर है, या आपका लैपटॉप है, PC है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका रूम साइज बड़ा है तो माइक्रोफोन जितना दूर हो सके उतना दूर रखिए। Who won test? We licking off shots in the West. We make believers out the best. Lay the weak to rest. This Southern California ain't no place like this. And after stuff y'all doing, we created the shit. So don't be sagging, young buck, in the presence of this. Don't even come from my city and you running your lip. I'm about to make a call, get the... Who won test? We licking off shots in the West. We make believers out the best. Lay the weak to rest. This Southern California ain't no place like this. And after stuff y'all doing, we created the shit. So don't be sagging, young buck. In the presence of this, don't even come from my city and you're running your lip. I'm about to make a call, get the...
Who won tests? We licking off shots in the West. We make believers out the best. Lay the weak to rest. This Southern California ain't no place like this. And after stuff y'all doing, we created the shit. So don't be sagging, young buck. Right, तो ये थे मेरी रिसर्च के टॉप एंड बेस्ट 5 कंडेंसर माइक्रोफोन इन 2024. अगर आप इनमें से कोई भी कंडेंसर माइक्रोफोन बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी के लिंक्स दे दिए हैं. वहां जाकर आप मेरे एफिलिएट लिंक्स को यूज करते हुए इन्हें बाय कर सकते हो और वहां जाकर चेकआउट भी कर सकते हो. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का एक कम्युनिटी लिंक डाला हुआ है, वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर कमेंट करके अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एम्बेसी मो. पीस आउट.